डोरा के मेरे सारे बहनों को भाइयों को मेरा नमस्कार आदाब। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सब जानते हैं कि कोरोना के कोविड के पेशेंट्स हमारे पास आसपास बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आपको बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनना और उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना में तीन प्रकार का सिम्टम्स, तीन प्रकार के प्रोग्रेशन डिसीज के पाए जाते हैं। एक हम जिसको कहते हैं माइल्ड है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता कम होती है, उसमें सिर्फ थोड़ी सी सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं हो सकते। दूसरी जो लेवल होती है उसको हम मॉडरेट कहते हैं, और तीसरी लेवल जो होती है उसको सीवियर कहते हैं। मॉडरेट और सीवियर केसेस में हो सकता है कि हमें कुछ सिम्टम्स आ जाए, हमें फीवर आए, हमें खांसी आए, हमें जुकाम आए। हम सब जानते हैं कि जब हमें सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली हमें जो है वो कंसर्न्ड मेडिकल सिस्टम को, हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता है। उससे भी आगे जाके मैं आज आप सबसे जो मुखातिब हूँ वो सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए हूँ कि कोविड में सबसे जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से जान जाने की गुंजाइश हमारे पास आ जाती है, वो ऑक्सीजन कमी की वजह से महसूस होती है। ये ऑक्सीजन की कमी या फिर ब्रेथलेसनेस, ये यही वजह होती है जिसकी वजह से मैक्सिमम जाने जाने का खतरा हमारे पास मौजूद होता है। और इसी चीज़ के लिए मैं आप सबसे आज बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी अगर हमारे बॉडी के अंदर है, अगर हमारे खून के अंदर है, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना है, और इसको मॉनिटर अगर हम लोग बॉडी के ऑक्सीजन को करें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। मैं आज आपके सामने ये छोटी सी मशीन दिखाना चाहता हूँ। इस मशीन का नाम दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर है। ये पल्स ऑक्सीमीटर ये एक छोटी सी मशीन है जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन मात्रा को गिनती है। मैं आपको बताता चलूँ, एक छोटे से चिमटे की तरह ये मशीन होती है। इस मशीन को आपने आपके इंडेक्स फिंगर, जो पहली आपकी उंगली है, इस पे आपको इस मशीन को बस ऐसे लगा देना है। इसमें बस एक बटन होता है, इस बटन को आपको दबा देना है। जब आप इस बटन को दबा देंगे तब ये मशीन जो है वो आपके बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है उस चीज को वो आपको देखेगी। जैसे आप देख रहे हैं, इस मशीन ने अब मेरे सामने दो आंकड़े मुझे दिखा दिए हैं। एक आंकड़े में ऊपर लिखा हुआ है कि SpO2, O2 मतलब ऑक्सीजन। मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अभी 95 है। दोस्तों, ये जो 95 फिगर है, SpO2 95, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आप दिन में सुबह एक बार और शाम को एक बार, आपको आपकी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल्स देखनी है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे गिरती है, अगर ये 90 से ऊपर है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 95 से ऊपर है, 95 से ऊपर है, तो आप बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं। अगर 90 से नीचे आपकी ये बॉडी की ऑक्सीजन लेवल गिर जाती है तो आपको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है। आपको ये ऑक्सीजन सिर्फ अस्पताल में मिल सकता है। इसीलिए अगर जब भी आप इसको चेक करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन की लेवल 90 से नीचे गिर गई है, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो आपकी ऑक्सीजन लेवल गिर सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर्स हर पॉजिटिव पेशेंट को देने की कोशिश जारी है। अगर कोई ओपन मार्केट से इस पल्स ऑक्सीमीटर को खरीदना चाहता है तो ये पल्स ऑक्सीमीटर 800-900 से लेकर 1000 रुपए तक आपको ओपन मार्केट में मिल सकता है। इसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। हमने ये भी कोशिश की हुई है, हमारे डोडा जिले में जो जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पे हमने ऑक्सीजन दूत या ऑक्सीजन मैसेंजर्स अपॉइंट किए हैं। कोशिश ये की जाएगी कि ये ऑक्सीजन दूत या ऑक्सीजन मैसेंजर्स आपके घर में सुबह भी आएंगे, शाम को आएंगे, जो जो कंटेनमेंट जोन्स है वहां पे, और वहां पे आपके घर में हर जो इंसान है उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा। जिसके घर में ये ऑक्सीजन मीटर्स नहीं है वो कोशिश करे कि पल्स ऑक्सीमीटर आप खरीद ले मार्केट से, या फिर जो टीम आपके पास घर में आएगी उससे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करे। मैं एक बार और आपको बताता चलूं कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स एक सिंगल उंगली पे आपको चेक करने हैं, दिन में दो बार चेक करने हैं, और अगर आपके ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चले जाते हैं तो आपको इमीडिएट ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है। आपके नजदीकी अस्पताल को संपर्क करें।